श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में सोमवार के दिन किए जाने वाले उपाय आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ ये उपाय सोमवार के दिन तो आप कर ही सकते हैं, सावन महीना शुरू होने वाला है, पूरे सावन में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना जो होता है वो हर एक दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए समर्पित होता है। इसके साथ ही मुख्य तिथियां जैसे कि अष्टमी प्रदोष हो गया है और हर महीने की मासिक शिवरात्रि हो गई है, इन तिथियों पर भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर है, जो कि है कोई परेशानी है, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, कोई मनोकामना है अधूरी है, तो फिर आप इस उपाय को कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं। पहला तो जैसे देखिए, आप त्रिपुंड बनाते हैं कोई भी, तो तीन उंगलियों से आप इस तरह से त्रिपुंड बना लेते हैं और साइड के दोनों त्रिपुंड को आप जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों इस तरह से आपने जोड़ दिया है, तो वो जो त्रिपुंड आप इस तरह से शंकर भगवान के शिवलिंग पर बना दीजिएगा। इससे क्या होता है, आपकी जो भी दुख दर्द परेशानी और परिवार की खुशियों के लिए ऐसा त्रिपुंड बनाया जाता है, ये उपाय किया जाता है। अब आ जाते हैं दूसरा। अगर आपकी कोई इच्छा है, मन में कोई सवाल है, कोई मनोकामना है, चाहते हैं पूरी हो जाए, तो आपको इस तरह से ये उपाय करना है। आपको लेना होगा पीला चंदन, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आधा चम्मच पीला चंदन आप ले लीजिएगा। इसके साथ ही साथ दूसरा चाहिए होगा हमको लाल चंदन। लाल चंदन बहुत थोड़ा सा चाहिए होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मात्रा लाल चंदन की चाहिए होगी। साथ ही साथ एक लोटा जल तांबे के लोटे में अपने ही घर से आपको ले लेना है, और इस तीनों चीज़ें ले करके आपको किसी भी समय सुबह से ले करके शाम तक जब भी आपको समय मिलता है, आप वहाँ ले करके चले जाएंगे भोले बाबा के मंदिर के पास में। जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए, और आपको क्या करना, एक लोटा जल जो आपने लिया हुआ है, अपने दोनों हाथों से उस जल को भगवान भोलेनाथ के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ा देना है। सबसे पहला काम ये करना है, जल चढ़ा दिया। अब आपको त्रिपुंड बनाना है, तो आपकी तीन उंगलियों से, आपको पता है दाहिने हाथ की तीन उंगलियाँ, छोटी उंगली और अंगूठे को छेड़ के बीच की जो तीन उंगलियाँ हैं उनसे त्रिपुंड बनाया जाता है। पीला चंदन आपको अपनी तीन ही उंगलियों में लगा लीजिए। उसके बाद सबसे पहले ऊपर की दो लाइन आपको बनानी है, ठीक है, दो उंगलियों से ऊपर की दो लाइन आप बना दीजिए और अपनी इच्छा मनोकामना जो है वो कह दीजिए। उसके बाद में तीसरी लाइन भी, आपको त्रिपुंड तीन उंगलियों से बनता है ना, तो बाद में आपको तीसरी लाइन भी बनानी है और फिर से आपकी इच्छा और मनोकामना वहाँ पर कहनी है। इस तरह से आपने त्रिपुंड बना लिया। अब जो अनामिका उंगली यानी तीसरी उंगली से जो आपने त्रिपुंड बनाया था, उस उंगली से धोना नहीं है उंगली, लाल चंदन आपको अनामिका उंगली में लगाना है और उस उंगली से बीच में आपको लाल चंदन की बिंदी लगा देनी है। इस तरह से जो त्रिपुंड बन जाता है, जैसे कि आपको शिवलिंग के ऊपर दिख रहा है, इस तरह से आपको त्रिपुंड बनाना है और अपनी इच्छा और मनोकामना कह दी है। जो भी आप ये उपाय कर लेता है उसकी इच्छा मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। 5 से लेकर के 7 दिन ये उपाय करके देखिए, भोले बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करके ही रहेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है धन संपदा के लिए, माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी कृपा आपके घर में बनी रहे। पैसा अगर नहीं टिकता है, कर्जा लेना पड़ जाता है अक्सर, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और आमदनी कम हो रही है, जो आमदनी हो भी रही थी धीरे धीरे कम हो रही है, कोई तरक्की नहीं हो रही है, मान सम्मान में वृद्धि नहीं चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ये उपाय करना होगा। आपको लेना होगा यहाँ पर 7 लौंग। अब 7 लौंग जो लेंगे, पूजा पाठ में हमेशा फूल वाली लौंग लेनी होती है, तो आपको 7 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ ही साथ कमलगट्टा लेना है, 5 कमलगट्टे, माता लक्ष्मी का बहुत प्रिय होता है कमलगट्टा, तो 5 कमलगट्टे भी आपको लेने हैं। इसके साथ ही साथ 1 चुटकी सफ़ेद तिल लेना है। सफ़ेद तिल जो होते हैं दुख दर्द दुर्भाग्य को दूर करते हैं, ठीक है, तो आपको ये सौभाग्य में वृद्धि करते, 1 चुटकी बस सफ़ेद तिल चाहिए होगा। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा आपको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको लाल चंदन चाहिए होगा, करीब 1 चम्मच तो लाल चंदन ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से अपने लाल चंदन ले लिया। अब आपको 1 लोटा अपने घर से जल ले लेना है, तांबे के लोटे में जो जल आपने लिया हुआ है उसी जल में आपको 5 कमलगट्टा, जो फूल वाली लौंग ली है वो 7 फूल की लौंग, साथ ही साथ सफ़ेद तिल जो चुटकी भर लिए हैं वो चुटकी भर सफ़ेद तिल भी उसी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं उसी लोटे में डाल लेना है। सारी सामग्री डाल दी, लाल चंदन मत डालिएगा, लाल चंदन अलग रखना है आपको।
ये सब सामग्री लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपने जो लाल चंदन लिया है उसका पेस्ट बना लीजिए थोड़ा सा पानी मिला करके, और उसके बाद उसको आपको शिवलिंग के ऊपर लाल चंदन का लेप करना है। लेप जैसे लगाते हैं ना पूरे शिवलिंग पर, लाल चंदन से अच्छी प्रकार से लेपन करिएगा, लेप लगा दीजिएगा। और जब आप लेप लगा रहे हैं तब आपको अपनी मनोकामना भी कहनी है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका? कुंदकेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए, उसका नाम लेते हुए लेपन करते जाइए और अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और अपनी कामना कहनी है कि हमारी धन संपदा संबंधी जो भी समस्या है वो दूर हो जाए, हमारे घर में माता लक्ष्मी टिकने लगे, ऐसी प्रार्थना करनी है आपको वहाँ पर। उसके बाद जो एक लोटा जल आप लेकर के गए हैं, दोनों हाथों से वो एक लोटा जल पकड़िएगा और दोनों हाथों से धीरे धीरे करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वो जल चढ़ा देना है। जब आप जल चढ़ा देते हैं, जल बहता हुआ नीचे गिरता है, तो जितना संभव हो सके उतना जल उसी लोटे से आपको एकत्रित कर लेना है। पूरा लोटा नहीं भरना, जितना हो सके उतना एकत्रित कर लीजिएगा, ठीक है। एकत्रित करने के बाद में आपको वो वहाँ पर थोड़ा देर बैठकर अपनी मनोकामना कहनी है, प्रार्थना करनी है और उसके बाद लेकर के अपने घर आ जाना है। वो जल लेकर के जब आप घर आते हैं तो सबसे पहले अपने घर का जो मुख्य चौखट होती है, मुख्य द्वार होती है, वहाँ पर उस जल को छिड़क दीजिएगा। उसके बाद पूरे घर में, बाथरूम को छोड़ करके घर के कोने कोने में क्या होता है उस जल को आपको छिड़क देना है। इससे आपके घर में भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ मान सम्मान में वृद्धि होती है और परेशानी दूर होती हैं। अब आ जाते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय पर। अगर घर में कोई सदस्य बीमार है या अक्सर बीमार हो जाता है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही, अब किसी पुरानी बीमारी से, लंबी बीमारी से है, दवा असर उसको नहीं कर रही है, कोई काम नहीं आ रहा है कोई चीज़, तब फिर आपको ये उपाय करना है। बीमार व्यक्ति के लिए आपको बेल का एक फल लेना होगा। बेल का फल जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस तरह का होता है, मार्केट में मिल जाता है, और इस तरह से बेल फल ले लीजिएगा। उसके बाद आपको उसका गूदा निकाल लेना है, ठीक है। अगर आपको बेल फल नहीं मिल पाता है तो फिर अगर बेल का जूस मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज़, बेल का फल मिल जाए तो बहुत अच्छा, आप खुद से उसका गूदा जो होता है निकाल करके गिलास में किसी रख लीजिए, नहीं तो फिर अलग से जूस लेकर के आ जाइए अगर जहां आपको मिल जाता है। जूस एकत्रित कर लिया, अब आपको एक लोटा जल भी ले लेना है और बस ये दो सामग्री लेकर के शिव मंदिर चले जाना है शिवलिंग के पास में। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो जूस लेके रखा हुआ है बेल का, उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिए और उस बीमार व्यक्ति का नाम बोलिए, गोत्र बोलिए और शिवलिंग के ऊपर आपको ये जूस चढ़ा देना है। उसके बाद जो आपने गाढ़ा पेस्ट जो है वो चढ़ाया, उसके बाद उसी एक पात्र में जो ग्लास में आप लेकर के गए हैं, जब वो जितना हो सके शिवलिंग के ऊपर से आपको उसको उठा लेना है, उस जूस को, ठीक है, उस द्रव को जो है उठा लीजिएगा, जितना हो सके एकत्र कर लीजिए। उसके बाद जो एक लोटा जल लेकर के गए हैं वो शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा दीजिएगा। मनोकामना कहनी है उस बीमार व्यक्ति की बीमारी ठीक हो, प्रार्थना करनी है और वो जो आपने जूस निकाला हुआ है गूदा वो वाले करके घर आ जाना है। घर आने के बाद उसको बीमार व्यक्ति जब भी दवा खाने वाला हो उससे आधे घंटे पहले आपको एक चम्मच या दो चम्मच उस गूदे को, जूस को आपको उसको पिला देना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चम्मच भी पिला देंगे तो बहुत है आधे घंटे पहले दवा खाने के। इससे क्या होगा, आपका जो भी वो दवा खाएगा उस दवा का असर होना शुरू हो जाएगा और दवा काम करना शुरू हो जाएगी, ऐसे भगवान भोलेनाथ की कृपा से। एक बार ये उपाय करके देखिएगा, आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर बरसेगी। दोस्तों इस वीडियो में तीन उपाय बताए हैं, आपकी परेशानी से संबंधित जो भी उपाय आपको लगता है वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। आप चाहे तो सारे उपाय भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, एक ही उपाय कर सकते हैं। अलग अलग समस्या से संबंधित उपाय हैं जो आपके लिए सही है, करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।